आपको तो इसका जवाब तो अखिलेश ही दे सकते हैं, हमारी तो नजदीक आए नहीं ना, हमसे उनकी बातचीत हुई तो हमें उनके बारे में क्या जाना, हमसे तो बात किए नहीं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद एक बार फिर शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच दरार नजर आने लगी है। चाचा शिवपाल के घर जाकर उन्हें मनाने का दावा करने वाले अखिलेश यादव से शिवपाल सिंह यादव नाराज दिखने लगे हैं। चुनाव में अपनी उपेक्षा के बीच एसपी को मिली हार पर शिवपाल यादव ने नाराजगी जताई है। शिवपाल ने इशारों में ये कह दिया है कि भले ही अखिलेश ने चुनाव से पहले उनसे गठबंधन किया हो, लेकिन उनसे ना चुनाव पर राय ली, ना टिकट पर और ना ही संगठन पर। आपको तो इसका जवाब तो अखिलेश ही दे सकते हैं, हमारे तो नजदीक आए नहीं ना, हमसे उनकी बातचीत हुई तो हमें उनके बारे में क्या जाने, हम क्या जाने हैं, कितना उनका यूज था, कितना नहीं था, कितनी उन्हें सीटों पर कहाँ कहाँ लड़ना चाहिए। अगर हमसे बात किए होते हैं, हमसे तो बात किए नहीं हैं, तो हम समझते उनका जनाधार कितना है तो वहीं पर उनका यूज करते हैं। एक जमाने में समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर चेहरे रहे शिवपाल सिंह यादव से अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले गठबंधन किया तो एक तस्वीर ट्वीट की, जिन शिवपाल यादव के हाथों से एक जमाने में समाजवादी पार्टी का टिकट फाइनल होते थे, सरकार के फैसले तय होते थे, उन शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने समझौते के बाद सिर्फ एक सीट दी। जब ये खबर मीडिया में आई तो ये साफ हो गया कि अखिलेश और शिवपाल के बीच हुआ गठबंधन समझौते से ज्यादा कुछ नहीं है। रही सही कसर इटावा और मैनपुरी के रोड शो की तस्वीरों ने निकाल दी, जहां सोफे पर बैठे अखिलेश और मुलायम के सामने शिवपाल को सिर्फ सोफे का हत्था ही नसीब हुआ। शिवपाल की इन तस्वीरों पर सीएम योगी तक ने तंज कस डाले, शिवपाल बेचारे बताए गए और पार्टी में किनारे होकर रह गए। अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने आक्रामक प्रचार के बावजूद हार की कगार पर आ गई तो शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इटावा में मीडिया से बात करते हुए शिवपाल का दर्द उजागर हो गया, ये कह ही डाला कि हमसे पूछा होता तब तो हम कुछ कहते, हम क्या जाने हैं, कितना उनका यूज था, कितना नहीं था, कितनी उन्हें सीटों पर कहाँ कहाँ लड़ना चाहिए। अगर हमसे बात किए होते हैं, हमसे तो बात किए नहीं हैं, तो हम समझते उनका जनाधार कितना है तो वहीं पर उनका यूज करते हैं, तो ये तो अखिलेश ही जवाब नहीं। अब सवाल है कि शिवपाल यादव का भविष्य क्या है। कहा जा रहा है कि नाराजगी दूर करने के लिए ही शिवपाल को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में संगठन का काम भी शिवपाल यादव के जिम्मे सौंपा जाएगा, लेकिन शिवपाल की पार्टी और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अखिलेश यादव के सामने इस सब में कहां तक जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा।